रविवार आज हम लोग देखेंगे संवत्सर वर्ष, और संवत्सर वर्ष में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं और कौन सा काल होता है, और ये अष्टांग हृदय के अनुसार हमको समझना है, और हिंदी ऋतुएं, हिंदी महीने हमें पता करने हैं। तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी बनाई है, आप लोग को याद भी करा दूंगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। संवत्सर वर्ष, संवत्सर वर्ष, इसमें दो काल होते हैं, एक आदान काल होता है और एक विसर्ग काल होता है। आदान काल, विसर्ग काल, ठीक। अब आदान काल में क्या होता है, सूर्य जो होता है नॉर्थ की तरफ, मतलब कि उत्तर की तरफ जाता है, तो सन जो होता है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, तो उसको बोलते हैं आदान काल या फिर उत्तरायण, उत्तरायण, ठीक है। उत्तरायण मतलब उत्तर, और अयन मतलब कि जाना, उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। और इसमें सन जाता है साउथ की तरफ, तो इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिणायन, दक्षिणायन, ठीक। इसमें जल्दी समझ लेते हैं, सिक्स सीजन्स होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं होगा कि कौन कौन से सीजन्स होते हैं। तो सिक्स सीजन्स होते हैं, समर, समर के बाद आता है हमारा मानसून, मानसून के बाद आता है ऑटम, जिसको आप पतझड़ बोलते हो। ऑटम के बाद आता है प्री विंटर्स, प्री विंटर्स वही टाइम होता है जो दीपावली वाला टाइम होता है, ठीक है। प्री विंटर्स के बाद विंटर, विंटर के बाद आती है आपकी स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब जो अभी चल रही है, स्प्रिंग मतलब जो विंटर्स के बाद आता है, जिसमें बसंत पंचमी होती है, तो ये होगी स्प्रिंग, ठीक। तो ये सिक्स सीजन्स हैं, और यही हिंदी में भी होते हैं। समर को ग्रीष्म बोलते हैं, मानसून को बोलते हैं वर्षा, ऑटम को बोलते हैं शरद, और प्री विंटर्स को हेमंत बोलते हैं, विंटर्स को बोलते हैं शिशिर, और स्प्रिंग को बोलते हैं बसंत, जो कि बसंत पंचमी होती है, ठीक। बसंत पंचमी से स्टार्ट होता है। तो ये उत्तरायण में भी 3 मंथ्स होंगे, और फिर दक्षिणायन में 3 मंथ्स होंगे। कौन कौन से हमको याद रखना है, कहाँ से, ग्रीष्म से स्टार्ट करना है। ग्रीष्म में इस जगह लिख रहा हूँ, थर्ड पॉइंट पे, उसका कुछ रीज़न है, उसका रीज़न क्या है ये बाद में जान लेंगे, पर अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया ग्रीष्म। ग्रीष्म के बाद मैंने बताया मानसून, मतलब कि वर्षा, वर्षा के बाद ऑटम यानी कि शरद, शरद के बाद हेमंत, और हेमंत के बाद फिर कौन सी ऋतु आएगी, शिशिर, शिशिर के बाद बसंत यानी कि स्प्रिंग, ठीक, यानी कि स्प्रिंग। तो ये हम लोगों का हो गया, ये तो हो गई ऋतुएं। अब हर ऋतु में दो दो माह होते हैं, माह मतलब महीने हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो ये दो, अब दो दो होते हैं, तो ये हमें याद करने हैं। तो कैसे याद करेंगे हम लोग, याद करते हैं बसंत से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बसंत ऋतु से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रीष्म लिखा था, ग्रीष्म के बाद चले थे, क्योंकि उसी ऑर्डर में हम लोगों ने याद किया था, समर, मानसून, ऑटम, प्री विंटर्स, विंटर, स्प्रिंग, तो इसीलिए ग्रीष्म से स्टार्ट किया था। अब इसमें वसंत से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि स्प्रिंग से, महीनों की शुरुआत, क्योंकि उससे मैंने ट्रिक बनाई हुई है, ठीक। तो चैत्र से स्टार्ट करते हैं, चैत्र। अभी थोड़ा मुश्किल होगा समझना, लेकिन एक बार समझ जाएंगे उसका ट्रिक बता देंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक। तो चैत्र, चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख, वैशाख के बाद ज्येष्ठ, ठीक। फिर आषाढ़, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, फिर वर्षा ऋतु में दो जो हो जाएंगे, श्रावण और भाद्रपद, श्रावण और भाद्रपद, फिर शरद ऋतु में अश्विन और कार्तिक, ठीक। हेमंत में मार्गशीर्ष, ठीक, मार्गशीर्ष, और दूसरा हो जाएगा पौष, ठीक। और उसके बाद मार्गशीर्ष और पौष के बाद शिशिर में जो 2 महीने आएंगे वो हो जाएंगे माघ और फाल्गुन, माघ और फाल्गुन। तो ये मंथ्स हैं। अब इनको याद कैसे रखना है, इनको याद रखना ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसके मैंने एक ट्रिक बनाई है। छवि जी
आशा भाका मापो माफा। ठीक, तो ये ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा निमोनिक है एक तरीके से कह सकते हैं, या कह सकते हैं एक राइमिंग स्कीम है। छवि जी आशा भाका मापो माफा, छवि जी आशा भाका मापो माफा। छवि जी तीन वर्ड्स हैं, ठीक, तीन अल्फाबेट्स कह सकते हैं। तो इसे आ जाएगा, छ से हो जाएगा चैत्र, वी से हो जाएगा वैशाख, और जे से हो जाएगा ज्येष्ठ, इसीलिए वसंत से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग। ठीक है, चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ। ठीक, फिर आशा से हो जाएंगे दो वर्ड्स, कौन कौन से, आशा मतलब कि आषाढ़, और ये देखिए श्रावण, आषाढ़ और श्रावण। फिर भाका, भाका में तीन वर्ड्स होंगे, एक भा और बीच में एक डैश याद कर लीजिए, ठीक है, एक भा और बीच में डैश और का, भाका। भा से हो जाएगा भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। ठीक, फिर मापो, दो वर्ड्स, मा और पाओ, मा से हो जाएगा मार्गशीर्ष और पौ से हो जाएगा पौष। और फिर माफा, माफा में भी दो वर्ड्स, मा से हो जाएगा माघ और फा से हो जाएगा फाल्गुन। ठीक है, तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघशीष पौष माघ और फाल्गुन। तो ये हो जाएंगे टोटल 12 मंथ्स। 12 मंथ्स की ट्रिक भी हो गई, 12 मंथ्स हो गए। उत्तरायण दक्षिणायन, उत्तरायण में तीन ऋतुएं, दक्षिणायन में तीन ऋतुएं, हम लोग याद करेंगे हमेशा समर मॉनसून ऑटम प्री विंटर्स विंटर्स और स्प्रिंग, मतलब कि ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर और वसंत। और उसके बाद फिर सब में दो दो महीने होंगे, और उसकी स्टार्टिंग होगी छवी जी से, मतलब कि चैत्र से, मतलब जो कि वसंत में आता है, वसंत पंचमी वाला वसंत, तो चैत्र से स्टार्टिंग करते हैं। तो छवी जी आशा भाका मापो माफा, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या जानना है, इसके बाद हम लोग इसका ही यूज़ करेंगे, किस चीज़ में हम लोग इसका यूज़ करेंगे, अष्टांग हृदय में जो हम लोग दोष का संचय प्रकोप और शमन पढ़ते थे, तो यही ऑर्डर, मतलब ग्रीष्म से लेकर के वर्षा शरद हेमंत और शिशिर और वसंत का, तो ये ऑर्डर हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया था ग्रीष्म से, इसीलिए समर से स्टार्ट किया था, और इसीलिए ये ट्रिक जो मैंने बनाई है सबसे पहले ग्रीष्म से स्टार्ट किया था मैंने इसको। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ये आपको याद हो गया होगा। आई होप, थैंक यू सो मच।